कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे बेटा कि जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और एमजेपी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली। जो भी स्टूडेंट यहाँ का है, ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है बेटा। 2022 में आने वाले प्रश्न जो आपका बेटा अभी पेपर होने वाला है, हाल ही में जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा आपका। जो आपका मेन एग्जाम होगा सेमेस्टर वाइज उनका हो जाएगा, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं वो देखेंगे। 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो हम सभी छात्रों से कहना चाहेंगे, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, और अर्थशास्त्र के अंदर पेपर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत। पेपर का नाम हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहां हम बात करने वाले हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कुछ और मत पढ़ना, मैं भी बोल रहा हूं, कुछ और मत पढ़ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो क्वेश्चन बता रहा हूं इतने क्वेश्चन याद कर लेना, और एग्जाम से एक दिन या फिर दो दिन पहले मैं आपको केवल कितने क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपके पेपर में आते होंगे। और हाँ, जिसका भी बहुविकल्प, देखो साथ में इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मतलब कि MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और MCQ क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे, 3 से 4 5 जो भी पूछे जाएंगे, उनके लिए हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको, वीडियो या फिर आपको पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ को पढ़ लेना एक बार, ठीक है, या फिर साथ में एप्लीकेशन भी बना देंगे, ऐप बनाकर प्ले स्टोर पर पब्लिश कर देंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या आने वाला है 2022 के एग्जाम में। तो आपके पास बुक, नोट, गैस पेपर जो भी है जिससे पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है, लगा लो। कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? देखो पहला क्वेश्चन पढ़ना है MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा बताओ और उसके महत्व के बारे में देख लो। क्या महत्व है भाई इकोनॉमिक्स का, क्या महत्व है, मतलब अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ, अर्थ बताओ उसका, ये देखना है। ये सारे क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। मांग के नियम, मांग के नियम कौन कौन से होते हैं, उनके अपवाद के बारे में, और मांग की लोच किसे कहते हैं, लोच, मांग की लोच, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मांग की लोच की परिभाषा, ठीक है, याद रख लेना। देखो उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत, उसकी आलोचना और उनके महत्व कर देना, याद कर लेना इस क्वेश्चन को, कि उपभोक्ता की बचत जो है उसके सिद्धांत क्या है वो देखेंगे, उसकी आलोचना के बारे में, उनके महत्व के बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यह बोला गया है तटस्था, तटस्था वक्र जो होता है उसकी विशेषता के बारे में, इसको देखो वो क्या होता है और उसकी विशेषता बारे में। उत्पत्ति हौस नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, टिक लगा लेने बेटा, मोस्ट पे बेटा, MJPRU वाले मोस्ट को लगाएंगे इसको, ठीक है। उत्पत्ति का हौस नियम, उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी स्टेज आती है अवस्थाएं, और परिवर्तनशीलता अनुपातों का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लेना। परिवर्तनशीलता जो होता है उसके अनुपातों का नियम क्या क्या है वो देखेंगे। इसके बाद में आता है उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन की परिभाषा आपसे पूछेगा। इन सारे क्वेश्चनों के ऊपर हम वीडियो बना के दे देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है सम उत्पाद वक्रों की परिभाषा के बारे में, इसको देखेंगे, ठीक है, और उनके अल्पकाल व दीर्घकाल के उत्पादन फलकों में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। चलो उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, इसको आपने टिक लगा लिया, समुत्पादक वक्रों की परिभाषा, ठीक है, और उनके, और साथ ही साथ जो समुत्पादक होते हैं वो अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल में जो उत्पादक फलक होंगे वो उनमें अंतर पूछ लेता है, तो इसको आप याद करेंगे। यहां पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में जो कीमत हुई है उनका वर्णन करना है, वो कीमत क्या निर्धारित की गई थी उसके बारे में देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो टिक लगाएंगे, ये है बाजार के बारे में, इसको देखो यहाँ कह रहा है बाजार क्या होती है, मार्केट क्या होती है, उनके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, मतलब उनके तत्व कौन कौन से हैं जिससे हम बाजार कह सकते हैं, उनकी परिभाषा देखना है, ठीक है। और देखो सिंपल है, मतलब आपको मैं बता दूं, आपका पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना बना के कराना, मतलब आपको याद ही नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको बना बना के करके आओगे, यही है ना, तो बुक करके आना, मतलब छोड़ के नहीं आना, मेरा मतलब ये छोड़ के नहीं आना आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है। तो इसको बाद में देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है अपूर्ण, अपूर्ण को हम क्या कहते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहते हैं, ठीक है, उसकी आपको परिभाषा, आशय का मतलब होता है परिभाषा, ठीक है, क्या आशय भाई, विशेषता क्या है, और उनके संतुलन के बारे में, संतुलन मत करना लेकिन उसकी विशेषता जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बारे में आता है प्रतिनिधि फर्म क्या होता है, प्रतिनिधि फर्म के ऊपर एक थोड़ा सा
नोट्स याद कर लेना शॉर्ट ब्रेक में। एकाधिकार क्या है, एकाधिकार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को टिक लगा लो, बाकी एग्जाम से पहले 10 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम काफी है तो आप इसको पढ़ो, इतना ही पढ़ो। ठीक है, जितना बता रहा हूँ इतने क्वेश्चनों को पढ़ लो। कह रहा है बाजार संरचना का अर्थ क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है बाजार संरचना का वो देखेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों है, सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। यह कह रहा है साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत के बारे में आप याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वितरण के सीमांत, देखो कह रहा है वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत क्या है, तो वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत थ्योरी के बारे में याद करके जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे वादा करता हूँ को फेल नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस याद करके चलो इन क्वेश्चनों को। साधन की बात हो गया, चलो ठीक है, इसके बाद कह रहा है नगद, देखो नगद और सफल मजदूरी में भेद, देखो एक जानते हो नगद, एक नगद एक होती है नगद मजदूरी, मतलब हमें अभी काम किया और हमें तुरंत पैसे मिल गए, एक होती है असल असल मजदूरी, उसके बारे में देखना है, उन दोनों में अंतर देखना है। और ये देखो बोला गया है लगान विशिष्टता का सिद्धांत क्या है, ये मोस्ट पे लगा देना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है लगान विशिष्टता का सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत रिकॉर्ड के सिद्धांत का एक विस्तृत रूप है, ये आपको बताना है। जो आधुनिक सिद्धांत है वो कह रहा है रिकॉर्डों के सिद्धांत का एक क्या है विकसित रूप है, वहीं से विकसित हुआ है, आधुनिक सिद्धांत से रिकॉर्ड का सिद्धांत निकला है, ये बोला गया है, तो इसमें आपको ये मोस्ट पे लगा देना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टिक को बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो ध्यान देंगे, ये है देखो ये है पुराना, ठीक है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत, ये देख लेना। ठीक है, पुराना कल्याणवादी है उसको अर्थशास्त्र का सिद्धांत, इकोनॉमिक्स का थ्योरी क्या होती है वो आप देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक लगाना। यहां बोला गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा और मांग की अड़ी लोच, मैं ऊपर बता चुका हूं लोच के बारे में कि मांग की लोच याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये पूछा जाएगा आपसे 100% क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ये देख लेना। ठीक है, और एग्जाम से पहले भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा 10 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ BA/BY पेपर हैकर यूट्यूब चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है उपभोक्ता की जो बचत है उसकी अवधारणा के बारे में, तो मैंने ये ऊपर बता चुका हूं, तो इसको छोड़ो बचत के बारे में, ये सीमांत उपभोक्ता देख लेना क्या होता है सीमांत उपभोक्ता की परिभाषा। ठीक है, इसके प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में देख लेना, जो हिक्स का प्रतिस्थापन सिद्धांत प्रभाव था इफेक्ट था उसके बारे में याद करेंगे, साथ ही साथ पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है उसमें अंतर पूछ लेता है, पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर, इसको याद करेंगे MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले जो भी छात्र हैं। और लास्ट में बस ये 2 क्वेश्चन और कहूंगा, देखो ये क्वेश्चन है इतने देखो पूर्ण तो ये वाला, इस क्वेश्चन को देख लेना, देखो ये है भेदपूर्ण एकाधिकार क्या होता है, भेदपूर्ण एकाधिकार क्या होता है इसके बारे में, रीज रेखा का वर्णन, इसको छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं तो मत करो इसको, मूल्य विविधीकरण क्या होता है नीति, इसको आप पढ़ लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूल्य विविधीकरण नीति होता है उसके बारे में याद करेंगे, ये मोस्ट पे लगा देना बेटा मोस्ट है। उसके बाद में ब्याज के तरल पसंदगी का सिद्धांत, इसको हो सके तो पसंदगी का सिद्धांत जो है इसको पढ़ लेना, कि ब्याज के जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है उसके बारे में याद कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ देखो पैमाने के निर्धारित तत्वों के बारे में बोला गया कि पैमाने के प्रतिफल निर्धारित तत्व छोड़ देना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी अनुकूलता का सिद्धांत, इसको देख लेना हो सके तो इसको पढ़ लेना, ये मोस्ट है। ठीक है, मतलब इतने क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले थे जो, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आपको देखो एजुकेशन, जिसने जिस छात्र ने एजुकेशन ले रखा है शिक्षा शास्त्र है जिसके पास में सेमेस्टर में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हमें कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं हम आपसे वादा करते हैं कि आपको यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, आपको फेल नहीं होने देंगे, इतना हम आप तुमसे कह सकते हैं। ठीक है, ये लिख के ले सकते हो तुम हमसे, और बताओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।